हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम। आज हम बनाने वाले हैं जिंजर टी। बहुत ही टेस्टी टी बनती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय का कोई भी बर्तन यूज़ करें, आप जो यूज़ करते हो। गैस ऑन किया है मैंने। अब इसमें डालेंगे 1 कप पानी, पानी को अच्छी तरह से उबाल आने देना है। पानी उबलने के बाद डालेंगे 2 इलायची और कट करके गौती चहा डालना है। कमेंट करके ज़रूर बताना हिंदी में क्या बोलते हैं। और क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे, कूट के भी डाल सकते हो या फिर कद्दूकस करके। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से उबालना है। चाय पत्ती डालेंगे, यहाँ पर मैंने 3 चम्मच डाला है। आपकी चाय पत्ती ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप कम यूज़ करें, चाय पत्ती के ऊपर डिपेंड होता है फ्रेंड्स। चलिए अच्छी तरह से उबाल आने तक इससे चम्मच से, नहीं तो ऐसे हिलाते रहना है 1 मिनट के लिए। अच्छी तरह से स्टर करना है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है, 1 कप से थोड़ा सा कम है दूध। चलिए दूध भी डाल देंगे। अब दूध डालने के बाद अच्छी तरह से उबाल देंगे चाय को 1 मिनट के लिए। चलिए जब उबाल आने लगेगा गैस को हम धीमा कर देंगे। अब चीनी डालेंगे 2 चम्मच। अब अपने हिसाब से चीनी को डाल सकते हो, कम या ज़्यादा। चलिए चीनी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। और एक बार अच्छे से उबालना है फ्रेंड्स। चलिए चाय हमारी बन चुकी है, गैस को बंद कर देते हैं। चलिए अब सर्व करें गर्मा गर्म चाय। इस मौसम में गर्मा गर्म चाय बहुत ही टेस्टी ऐसी लगती है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। पकौड़ों के साथ, बिस्किट के साथ बहुत ही टेस्टी चाय बनती है। ट्राई करें, एंजॉय करें फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी चाय बनी है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें।